हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मेमुना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार डस्ट एंजल जस्ट लाइक टूटा हुआ तारा। सो आप लोगों ने टाइटल से अंदाजा लगा लिया है कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। सो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे कि हमें पुलाव बनाते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 अदद प्याज, 1 किलो गोश्त, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 5 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 चिकन क्यूब्स, 4 टमाटर, 2 किलो राइस, 4 टेबलस्पून नमक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर पानी बॉयल किया है 5-6 गिलास, उसमें हमने 1 किलो गोश्त ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज लिए हैं, उसको कट करा और ऐड कर दिया। देन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके और आप मेरी हर वीडियोस ईज़िली वॉच कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी। गर्म मसाला में हमने ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्च ऐड करिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। देन हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम में 1/2 आवर के लिए ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। सो 1/2 आवर के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड किया है। साबुत धनिया आप जो है वो कूट के भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पीस के। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से पक रहा है, यखनी टाइप बन चुकी है। मैं अब यखनी को साइड में निकाल लूँगी अलग से। ये यखनी मैंने साइड में निकाल ली है। उसके बाद ये हमारा गोश्त जो है ये बचा है, इसमें मैंने अब 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं। उसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ताकि टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएं। टमाटर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो पक चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, यानी कि हरी मिर्चों को तरीके से पीस लिया था। आप पीस भी सकते हैं, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीसा था तो हरी मिर्चों का ये हमने 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। हमने जो है इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं की, ठीक है, हमने सिर्फ हरी मिर्च ऐड किया। उसके बाद हम यहाँ पर क्यूब्स ऐड करेंगे इग्नोर के, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 क्यूब्स ऐड किए क्योंकि पुलाव जो है हम इसमें मिर्ची ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हरी मिर्ची ऐड करी है। लाल मिर्च हमने यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं करी। क्यूब्स डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका टेक्सचर हो गया। उसके बाद हमने एंड में यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर दी 2 से 3 अदद। अब मैं इसमें जो है वो हमने जो साइड में यखनी निकाल के रखी थी इसकी वो ऐड कर दूँगी। यखनी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा उबाल आ रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर 2 किलो राइस लिए थे, उसको हमने भिगो के रखा हुआ है। तो जैसे ही वहाँ पर उबाल आया हमने इसमें राइस ऐड कर दिए और उसको मिक्स करा। देन हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसको वापस कवर करके रख देंगे ताकि चावल पक जाएं और इनमें दम दे देंगे। दम हमने बहुत ही लो फ्लेम में देना होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलाव रेडी हो चुका है।
किस तरीके से, मतलब चावल आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे बीफ पुलाव रेडी हो चुका है। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह हाफिज़।